भीतरी खोज के लिए योग शांभवी मुद्रा। मानवता के इतिहास में बहुत से शानदार मनुष्य हुए हैं। उनकी चमक और रोशनी आसमान के सितारों से भी ज्यादा थी। मगर ऐसा क्यों होता है कि कोई जबरदस्त क्षमता के साथ आता है और किसी दूसरे इंसान को जीवन के हर छोटे पहलू के साथ संघर्ष करना पड़ता है? अगर आप खुद को मशीन माने तो आपके पास एक शरीर और एक मन है। हो सकता है कि आपके पास एक शानदार शरीर और शानदार मन हो, मगर जिसे आप कृपा कहते हैं वह लुब्रिकेशन या चिकनाई है। जरूरी चिकनाई के बिना आप हर कदम पर अटकते हैं। इस धरती पर ऐसे सैकड़ों प्राणी हैं, समझदार, काबिल, मगर अपने जीवन के हर मोड़ पर वो अटक जाते हैं क्योंकि चिकनाई की कमी होती है। इसीलिए किसी इंसान के जीवन में कृपा का तत्व होना बहुत जरूरी है। शांभवी मुद्रा ऐसी प्रक्रिया है जो एक खिड़की खोलने जैसा है ताकि हम कृपा को ग्रहण कर सकें। आराम से पालथी मारकर बैठें, अपनी रीढ़ को सीधा रखें, मगर उसमें कोई तनाव नहीं होना चाहिए। हम योग मुद्रा बनाएंगे। अंगूठे और तर्जनी के अग्रभाग को एक साथ लाते हुए उनके बीच वृत्त बनाएं। बाकी तीन उंगलियों को सीधा रखें। चार उंगलियां सटी हुई हों और उनके बीच बिल्कुल जगह ना हो। अपनी हथेलियों को इस मुद्रा में ऊपर की ओर अपनी जांघों पर रखें। हाथ और कंधे ढीले और तनाव मुक्त हों। आंखें बंद करके बैठें। चेहरा जरा सा ऊपर की ओर उठा हुआ हो। जब आप थोड़ा ऊपर उठे हुए चेहरे के साथ बैठते हैं तो आपकी भौहों के बीच एक स्वाभाविक फोकस होता है। इस स्वाभाविक फोकस को कायम रखें। ध्यान लगाने की कोशिश ना करें, बस अपनी भौहों के बीच इस स्वाभाविक फोकस को बनाए रखें और बंद आंखों के साथ चेहरे को थोड़ा ऊपर की ओर रखते हुए बैठें। भौहों के बीच इस हल्के और सहज फोकस को बनाए रखें और सांस की स्वाभाविक गति के प्रति चेतन रहें। तीन से छह मिनट तक इस तरह बैठे रहें। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम् यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम् नन्दति नन्दति नन्दते वा नन्दति नन्दति नन्दते
धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें।